तो जैसे कि दोस्तों अभी आप लोग देख ही सकते होंगे कि एक जो बाइक है ना तो वो है ग्रे और ब्लैक कलर के अंदर अंदर, और एक जो सामने खड़ा है तो वो है ब्लू व्हाइट और ब्लैक कलर के अंदर अंदर। तो ये जो दोनों बाइक जो आजू बाजू में जो खड़े हैं ना दो कलर ऑप्शन के साथ, तो ये है हंडा 350। और ये वाला जो बाइक है ना, तो इसके ही बारे में आगे हम लोग इसी वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, और ये भी जानने वाले हैं कि ये जो हंडा 350 का जो ये दोनों कलर ऑप्शन है या फिर जो ये हंडा 350 है, तो इसके अंदर हमें क्या कुछ न्यू देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो मैं हूं अंकुर कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकार अंकुर ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो भाई अभी फाइनली रॉयल एनफील्ड हंडा 350 का ही दो न्यू कलर्स ऑप्शन अभी दिखे गए हैं, जिनमें से एक तो है ग्रे और ब्लैक कलर के अंदर अंदर है, और एक है ब्लू व्हाइट और ब्लैक में ही। तो ये जो दोनों कलर्स ऑप्शन है ना, तो ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा बेहतरीन तो लग ही रहा है, जैसे कि देख ही सकते होंगे। और उसके ही साथ साथ भाई देखो, इसी बाइक के अंदर ना एक चीज हमें दिखाई दे रहा है, जो की है एक सिंगल साइड पर सेमी डिजिटल वाला मीटर कंसोल। लेकिन भाई आपको मैं बता दूं कि आज से कुछ ही दिनों पहले ना एक कुछ न्यूज आया था सामने, जिसके अंदर बताया कुछ ऐसा ही गया था कि इसी हंडा 350 के अंदर आपको एक डिजिटल वाला मीटर कंसोल भी देखने को मिलेगा, लेकिन उसको आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। और उसके ही बाद जाके ये जो हंटर 350 के अंदर ये जो आपको ब्लूटूथ नेविगेशन वाला जो फीचर्स है तो वो देखने को मिलेगा। बाकी तो इस वाले बाइक के अंदर आपको जो सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलेगा ना, तो वो है सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे वही कॉइल वाला हाइड्रोलिक शॉक। और इसके अलावा इस बाइक के पीछे ग्रैब रेल तो देख ही सकते होंगे, देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग ही रहा है। और ये वाला ग्रैब रेल देख ही सकते होंगे, एक स्प्लिट टाइप ग्रैब रेल है। बाकी तो इस वाले बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये जो इंजिन, तो ये जे सीरीज के ऊपर मतलब बनाया गया है। बाकी इस वाले इंजन के अंदर आपको जो मैक्सिमम पावर देखने को मिलेगा तो वो है 20 BHP का, और ये वाले इंजन के अंदर आपको जो मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिलेगा तो वो है 27 Nm का। और इसके अलावा इस वाले इंजन के अंदर आपको 5th speed का गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। बाकी ये जो इंजन है ना, तो ये एक सिंगल सिलेंडर वाला एयर कूल प्लस ऑयल कूल वाला एक इंजन है, जो की 350 cc वाला है। और इसके अलावा इस वाले बाइक के अंदर आपको जो ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा ना, तो वो है इस बाइक का सामने के चक्के पर भी डिस्क ब्रेक और पीछे के चक्के पर भी डिस्क ब्रेक तो डुअल चैनल ABS वाला भी फीचर है। लेकिन भाई देखो, ये जो डुअल चैनल वाला फीचर है ना, तो इसके बारे में अभी कंपनी की तरफ से कुछ भी ऐसा क्लियर तरीके से बोला नहीं गया है, तो इसी वजह से भाई बहुत सारे जगह पर आपको देखने को मिलेगा इस वाले बाइक का ही ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बोला जा रहा है कि सिंगल चैनल ABS वाला फीचर है। बाकी इस वाले बाइक के अंदर तो देख ही सकते होंगे कि इस बार जो ये एग्जॉस्ट दिया गया है ना, तो ये पाइप के साथ पूरा का पूरा एग्जॉस्ट जो है तो वो इस बार पूरे तरीके से न्यू दिया गया है। भाई देखो, सच में बता रहा हूँ, ये वाला जो मतलब हंटा 350 है ना, तो ये वाला बाइक देखने में तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये एक स्क्रैम्बलर टाइप बाइक है। मतलब कुछ हद तक लग रहा है कि ये स्क्रैम्बलर टाइप बाइक है, और कुछ हद तक तो लग ही रहा है कि ये रेट्रो स्टाइल वाला बाइक है। और इसके अलावा इस वाले बाइक के अंदर आपको सारी गार्ड से लेके मतलब जो भी सेफ्टी फीचर्स है तो वो सारा कुछ देखने को मिलने वाला है। और इसके ही साथ साथ इस वाले बाइक के अंदर देख ही सकते होंगे जो लाइट्स का सेटअप दिया गया है, तो वो आपको हैलोजन और बल्ब के ही अंदर अंदर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा इस वाले बाइक का एक एलॉय व्हील्स वाला वेरिएंट भी देखने को मिलेगा, जैसे कि देख ही सकते होंगे। और बाकी तो जानते ही होंगे कि ये वाला जो बाइक है, तो ये एक मोस्ट अफोर्डेबल वाला बाइक होने वाला है रॉयल एनफील्ड के ही, मतलब अब तक के जितने भी बाइक्स अभी आए हैं 350 cc के कैटेगरी के अंदर, तो उसके ही अंदर अंदर। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप नया नया वीडियो हर दिन देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइज़।